एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयप्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यत् सद् सत् परम। जब जगत नहीं था तब परमात्मा की सत्ता थी, जगत होता तब परमात्मा की सत्ता होती, जगत नहीं रह जाता एव शिष्येत शोष में हम, वो भी मैं ही बचता हूं। भगवान नारायण ने ब्रह्मा से कहा, जब जगत नहीं होता तब परमात्मा होता, जगत होता है तब परमात्मा, और जब जगत नहीं रह जाता तब भी परमात्मा। कैसे? जैसे सोना आभूषण बनने से पहले भी सोना सोना था, आभूषण मिटाने के बाद भी सोना सोना ही रहता है। सोना आभूषण बना तो नाम बदल गया, था सोना पर सोने की हमने जंजीर पहन ली, और सोने की जंजीर पहनकर हम गए, किसी ने पूछा क्या पहन रखे हो, यदि हम कहते सोना है तो लोग हंसेंगे। इसको यही पता नहीं कि जंजीर पहन रखा है कि सोना पहन रखा है, उपहास करेंगे लोग। आपने सोने की अंगूठी पहन रखी है, क्या पहन रखा है, सोना, लोग हंसेंगे। बताना पड़ेगा ये आभूषण, ये अंगूठी है। आप कंगन पहन लिया है सोना, बताना पड़ेगा कंगन है। आपने बाजू बंद पहन लिया है सोना, बताना पड़ेगा बाजू बंद है। यदि आप उस आभूषण का नाम नहीं बताए तो आप उपहास के पात्र बनेंगे, दुनिया उल्टा चलती है। प्रिंस बोलो जय श्री राधे। हाँ, था सोना है सोना, पर आभूषण बनने से नाम बदल गया। आज जब सोना पहनकर तृप्त हो गया, आभूषण पहनकर के गला दिया गया, सोना की पीस बन गई। ये जगत परमात्मा का स्वरूप है, ये परमात्मा का स्वरूप है। इसी श्लोक का बाबा तुलसी ने हिंदी रूपांतरण किया है, श्री राम मैं सब सब जग जानी, परमात्मा का ही स्वरूप है। यही तो विशिष्टा द्वैत है, न द्वैत अद्वैत, यहाँ पर द्वैत नहीं। और हमारे संप्रदाय में, श्री संप्रदाय में, रामानुज संप्रदाय में तो यही मान्यता है कि सर्वम विष्णुमयम जगत निदेतम यत् प्रतीत न प्रतीत चात्म तदरिद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा यथा भासो यथा तम। आकाश में चंद्रमा एक है पर दृष्टि विकार से दो दिखता है। चंद्रमा एक है पर आंख को मलो तो दो दो चंद्रमा दिखाई देते हैं। राहु है पर दिखाई नहीं देता है, क्या है? माया का ही स्वरूप है। चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया ब्रह्मा जी को भगवान नारायण ने,
और ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को वो सुनाते कहा तमे तद अभिपुली कुरु, इसका विस्तारीकरण करो जिसे जन जन का मन प्रभु चरणों में लग जाए। अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थानम पोषणमूतय मनमंत्रेशानुगता निरोधो मुक्तिराश्रया, दस लक्षणों का वर्णन किया गया है। अंतिम तत्व आश्रय तत्व को जानने के लिए नौ लक्षणों का वर्णन किया गया है। ब्रह्मा जी ने सुंदर देवर्षि नारद को उपदेश किया और ब्रह्मा जी को उपदेश नारायण ने किया, तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि का प्रारंभ किया। महाराज पहले तामसी सृष्टि की, लेकिन तामसी सृष्टि से ब्रह्मा जी को संतुष्टि नहीं हुई, तब पुनः सृष्टि की। महाराज कुमार भाइयों की उत्पत्ति हुई सनत सनंदन सनातन सनत कुमार, ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि विस्तार में सहयोग करो, ताहम तपस्या करके निज रूप को जानेंगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आया, ब्रो मध्य से महाराज एक रुदन करता हुआ बालक उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा क्यों रो रहे हो? अरे बोले जन्म दे दिया, शादी नहीं करोगे, हम बच्चे नहीं पैदा करें। ब्रह्मा जी ने कहा पूछो कुमार बेटों से, कहा शादी करके सृष्टि विस्तार करो तो कहते हम ब्रह्मचारी बने। इन महाशय से भी निवेदन किया नहीं, कहते हमारी शादी कर दो, रो रहे आंसू बहा रहे हैं, रो रहे थे, नाम पड़ गया रुद्र, भगवान शंकर हैं, रुद्राणी आदि पत्नियों के साथ में विवाह किया गया। ऐसी सृष्टि की विधाता ब्रह्मा को खाने को दौड़े। ब्रह्मा जी ने कहा बस 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 हो गई सृष्टि, भैया सृष्टि बंद करो, भगवान शंकर को विदा दी है। एक के बाद एक सृष्टि, वर्ण है, छंद है, मालाएं हैं, देवता हैं, सिद्ध हैं, चरण हैं, गंधर्व हैं, क्रमशः सृष्टि करते जा रहे थे। दस ऋषियों की उत्पत्ति, मरीज हैं अत्रि अंगिरा पुराह पुरस्त कृतु करके दस ऋषि। महाराज दशमस्तत्र नारद वाणी से सरस्वती उत्पन्न हुई, सरस्वती का आलिंगन करना चाहा, ऋषियों ने भगवान का स्तमन किया, लज्जा आई, शरीर का त्याग किया। ब्रह्मा जी ने अंधेरा बना, कामियों को साथ देता है, पुनः शरीर धारण किया और अब उनका शरीर ही युगल रूप में परिणत हो गया मनुष्य रूप की रूप में। मनुष्य रूपा ने जन्मदाता ब्रह्मा के पास जाकर का आदेश करिए, बोले सृष्टि विस्तार में सहयोग करिए। ये अंशावतार थे, महाराज परस्पर विवाह हो गया। पृथ्वी चाहिए ब्रह्मा जी से कहा, पृथ्वी तो है नहीं, तो ब्रह्मा जी ने कहा वो तो याद ही नहीं है। सोच ही रहे थे कि छींक आ गई दुनिया के लोगों के नाक से बलगम निकलते, इनके नाक से सूअर का बच्चा निकला, प्रिंस बोलो जय श्री राधे, कोई और नहीं साक्षात भगवान वाराह थे। भगवान ऋषियों ने अस्तवन किया, समुद्र के अंदर निपात किया। महाराज पृथ्वी समुद्र को पीड़ा हुई, तरह तरह के पदार्थ ला करके भगवान का पूजन किया। पृथ्वी को दृष्टाक्र में रखकर आ रहे थे, मार्ग में हिरण्याक्ष मिला, प्रभु ने उद्धार किया। पृथ्वी मनु महाराज को मिली, मनु महाराज क्या आकृति देहूति प्रसूति, तीन बेटियां और दो पुत्र पियव्रत उत्तानपाल। लेकिन इस कथा को सुनकर के विदुर जी को प्रसन्नता नहीं हुई। इस समय तीन संवाद चल रहे हैं, सूत सौनक संवाद, सुखदेव परीक्षित विदुर मैत्री संवाद चल रहा है। विदुर जी ने कहा भगवान हिरण्याक्ष कौन था? अब प्रभु ने क्यों उद्धार किया? बोले कोई और नहीं, ये कश्यप और दिति नंदन है। बात ये हुई कि एक शाम दिति कश्यप ऋषि के पास तब पहुंची जब वो अग्निहोत्र में लगे हुए थे, अग्निहोत्र कर रहे थे। दिति ने कहा भगवान मुझे भी संतान चाहिए, मेरे कोई संतान नहीं। कश्यप ऋषि ने कहा देवी ऐसा घोर तमा बेला घोराणा घोर दर्शना चरंतेश्याम भूतानि भूतेषां चराणिया। ये बेला भजन करने की है, भगवान शंकर अपने गणों के साथ यत्र तत्र सर्वत्र विचरण करते रहते हैं और ये स्त्री संघ का समय नहीं होता। एतस्याम साधि संध्यायाम भगवान भूत भावना, भगवान भूत भावन यत्र तत्र विचरण करते हैं। ठीक है आप संतान चाहती हो, आपको संतान होगी, लेकिन ये संध्या काल है और इस समय चार कर्म नहीं करना चाहिए। चत्वारि मानि कर्माणि संध्यायाम परिवर्जित आहारम मैथुनम निद्राम स्वाध्यायम चा चतुर्थकम। संध्या के समय चार कर्म का निषेध है, आहार भोजन नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त की वेला के समय भोजन करोगे रोगी बन जाओगे,
मैथुनम स्त्री संग नहीं करना, नहीं बाबा भोले की गणा आ जाएंगे, भूत प्रेत पैदा हो जाएंगे, प्रेम से बोलो जय श्री राधे। निद्रा सोना नहीं, नहीं आंख में चश्मा चढ़ जाएगा हमारे तरह, प्रेम से बोलो जय श्री राधे। ये लगता है सोने का ही परिणाम है, पर हम तो नहीं सोए, पर कहते हैं ऐसा ही कि चश्मा चढ़ जाता है, प्रेम से बोलो जय श्री राधे। स्वाध्यायम ज चतुर्थकम, संध्या के समय सोना भी नहीं चाहिए और स्वाध्याय भी नहीं करना चाहिए। लेकिन कामातुराणाम भयम् न लज्जा, कामातुर लोगों को भय लज्जा नहीं होती। कश्यप ऋषि के वस्त्रों को पकड़ लिया, परमात्मा का विधान जना, स्त्री संग किया, अग्निहोत्र में बैठे तो सही, पर अब पश्चाताप हुआ, पति का ही नहीं भगवान शंकर का भी अपमान हुआ, पैरों को पकड़ लिया, आप क्षमा करें। पहले मनाया था, सम्मान दिया था अतिथि को, अब न जाने कितने कितने अब शब्दों का प्रयोग करते हुए ऋषि ने कहा, तुमने मर्यादा का अतिक्रमण किया है, इसमें साफ देता हूं, बच्चे तो होंगे पर असुर होंगे, अल्प मृत्यु को प्राप्त होंगे, संतान तो हो पर राक्षस के रूप में। मैंने कह दिया ना भगवान शंकर के सहित आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। संत का हृदय पिघल गया, पुत्र तो असुर ही होंगे और अल्प मृत्यु प्राप्त होंगे, पर आप यहां जो पौत्र आएगा वो अलम पटा सील धरो गुणा करो हृष्टा परर्ध्या व्यथितो दुःखितेश। आप यहां जो पौत्र आएगा नाम प्रहलाद होगा, भगवान का भक्त होगा। दीति ने गर्भ धारण किया, लेकिन गर्भ जैसे बढ़ने लग गया, देवताओं की कांति छिनने लगी, ब्रह्मा की शरण में आए, ये हमारी कांति कैसे छिन रही, श्वास क्यों और हो रही है। ब्रह्मा जी ने कहा मेरे मानस पुत्र, ये मेरे मानस पुत्र, मेरे मानस पुत्रों की कृपा है, मेरे मानस पुत्रों ने जो किया और जो कहा वो चरितार्थ हो रहा है। देवताओं ने कहा जाना नहीं, समझा नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा मेरे मानस पुत्र सनक सनंदन सनातन संत कुमार भगवान के दर्शन के लिए गए थे, छह जोड़ी पार गए, सातवीं जोड़ी पार करने लग गए, जय और विजय ने अंदर जाने से रोक दिया, चारों को क्रोध आ गया, रहते वैकुंठ में हो फिर भी बुद्धि तुम्हारी कुंठित है, साफ देते हैं कि तुम राक्षस हो जाओ, असुर हो जाओ। भगवान नारायण ने आकर अनुमोदन कर दिया, ठीक किया आपने, कभी मेरी पत्नी लक्ष्मी को भी अंदर आने से रोका था, अब ब्राह्मणों को अपराध करने वाली मेरी भूजा ही क्यों ना हो, मैं उसको भी पृथक करने में विलंब नहीं करूंगा। बड़े मार्मिक प्रसंग है, लेकिन इन सब प्रसंगों को विस्तार से कहने के लिए समय चाहिए। यहां पर ब्राह्मणों की महिमा का वर्णन किया भगवान ने अपने स्त्री मुख से बार बार, लेकिन जय और विजय ने कहा भगवान हम आपका सानिध्य नहीं छोड़ सकते हैं। तब भगवान ने कहा ठीक है, जल्दी बुला लेंगे, पर बाहुबल के द्वारा हमको संतुष्ट कर देना। जय और विजय ने कहा हम संतुष्ट कर देंगे, आपका सानिध्य जल्दी मिले वो भी हमें स्वीकार, हम लड़ने के लिए भी तैयार है। देखो भक्त की भावना, भगवान ने कहा तीन जन्मों में ही हमारे पास आ जाओ। वही जय और विजय ही दीदी के गर्भ में है, जैसे दीदी जन्म देगी आप आप आपका दुख दूर हो जाएगा, ये कहकर देवताओं को विदा किया। इधर जय और विजय ही दीदी के गर्भ में थे, दीदी ने 100 वर्ष तक गर्भ धारण किया, 100 वर्ष के बाद जन्म दिया। पहले माताओं में सामर्थ्य हुआ करता था, भगवान सुखदेव भी 12 वर्षों तक मां के गर्भ में रहे। 100 वर्ष के बाद युगल संतान को देखते ही देखते इतने बड़े हुए कि भगवान भास्कर इनके कट प्रदेश पर आ गए, नामकरण कर दिया हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप कश्यप ऋषि ने। हिरण्यकश्यप ने देखा, हिरण्याक्ष ने सुना, कश्यप ऋषि ने सुंदर नाम का संस्कार किया। अब कश्यप ऋषि ने ऊपर देखा, कमर तो दिखाई दे रही थी, मुख नहीं दिखाई दे रहा था। कश्यप ऋषि ने कहा जय हो भगवान, आपका भला हो, बच्चों को पालने में और बड़ा करने में 555 घूटी पिलाते पिलाते माताएं थक जाती हैं, प्रेम से बोलो जय श्री राधे। और जन्म लेते इतने बड़े, बिना 555 घूटी के ही बड़े हो गए।
हिरण्याक्ष बड़ा मतवाला था, एक बार कड़ा लेकर के चल रहा था। देवर्षि नारद मिलकर वीणा बजाते हुए, हिरण्याक्ष ने कहा बाबा वीणा ही बजाना आता है, कुछ और भी? बोले हाँ, क्या चाहते हो बाबा? देवर्षि नारद ने सोचा कोई मंत्र तो पूछना चाहता होगा तो बता दे। पर नख से लेकर शिखा तक देखा, शिखा से नख तक, नहीं हाथ नहीं मिला। नहीं ऐसी चटनी बनाएगा, ऐसी चटनी बनाएगा, ये हमारा पता ही नहीं चलेगा। हिरण्याक्ष ने कहा आपने जवाब नहीं दिया। देवर्षि नारद ने कहा आपने क्या कहा? बोले खुजली बहुत हो रही बाबा, दो दो। अरे बोले नहीं, आजकल तो वीणा बजाना शुरू कर दिए हैं, खुजली किसी को हो रही हो? हाँ, मार्गदर्शन कर देते हैं। अप्रभु के पास कभी कभी कोई योद्धा मिल जाता है, खुजली भी शांत कर देता है। हिरण्याक्ष ने कहा हमारे लायक कोई? अरे बोले आपके लिए भी खोज लिया मैंने, वो समुद्र के अंदर अभी सुअर का बच्चा घुस कर गया है, धरती लेने वो धरती आपके लिए दिया विधाता ने, वो लेकर के आ रहा है, जाकर के हाथ मिला लेना, ऐसी खुजली मिटाएगा, ऐसी मिटाएगा, परमात्मा चाहेगा दोबारा खुजली होगी ही नहीं। प्रेम से बोलो जैसे जैसे। और जाकर के महाराज भगवान के मार्ग को रोका, भगवान ने मार्ग छोड़ दिया। फिर हिरण्याक्ष सामने आ गया। अच्छा, कई लोगों की आदत होती है अकारण लड़ने की, अकारण हवा से लड़ा करते हैं। हाँ, अरे कौवा कान ले गया, कान नहीं देखा, कौवा के पीछे दौड़ गए। अरे भाई क्यों दौड़ रहे हो? कौवा कान ले गया। अरे कान नहीं ले गया, कान तो पकड़ कर देखो, कान तो लगा है। अरे उसने कहा तो उसकी हिम्मत कैसे पड़ गई? अरे भाई उसकी हिम्मत पड़ गई, हो सकता है विनोद किया हो, पर तुम्हें तो अपने विवेक का आश्रय लेना चाहिए, सहारा लेना चाहिए। कई लोगों की आदत होती, एक सज्जन की आदत थी कि जब तक पत्नी को मार नहीं लेता था, भोजन नहीं पचता था, प्रेम से बोलो जैसे, जब तक पत्नी को कूट नहीं ले, पत्नी बेचारी भोजन बनाए, कच्चा भोजन बनाए तो कहा पक्का क्यों नहीं बनाए, पक्का बनाए तो कच्चा क्यों नहीं बनाए, अंदर बिस्तर लगाए तो बाहर क्यों नहीं लगाया, और ट्राई करना शुरू कर देते। बेचारी डेढ़ हड्डी की रह गई, कुट कुट करके मांस खत्म हो गया। एक दिन सहेली मिली, बोली दुबली पतली क्यों होती है, भोजन नहीं है? भोजन तो मिलता है, वो पति नहीं मानता, बहुत बहुत दुष्ट किस्म का है, बहुत मारता है। अच्छा क्यों मारता है? अकारण मारता है, हवा से लड़ता है। सारी घटना सहेली को बता दिया। सहेली का तू पागल है, छोटा सा समाधान है, कभी नहीं मार पड़ेगा। अच्छा अच्छा, लेकिन मुझे तो विश्वास नहीं कि मेरे पति। अरे नहीं मारेगा, मैंने कह दिया ना, क्या झगड़ा है? झगड़ा केवल यही है, यदि मैं कच्चा भोजन बनाती हूँ पक्का क्यों नहीं, तो डबल भोजन क्यों नहीं बनाती, कच्चा पक्का दोनों बनाओ। अरे ठीक बना दिया, यदि अंदर बिस्तर लगा दिया करते, बाहर क्यों लगा दो, ढाई करना शुरू कर। अरे डबल बिस्तर लगा दो, आंगन भी लगाओ अंदर भी लगाओ। पत्नी को बल मिल गया, सहेली ने बताया, पत्नी ने सारी डबल तैयारी कर दी, दोहरा दोस्ता कर दी। पति शाम को आया, दुनिया काम करके आया था, हाथों में खुजली हो रही थी। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। पति ने कहा पत्नी से बड़े रुतवे के साथ, भोजन बना? हाँ बन गया। क्या बना है आपको? क्या खाना है? अब तुमने क्या बनाया है? मैंने तो कच्चा भोजन, जैसे कच्चा खाना मारना। पत्नी ने कहा नहीं नहीं नहीं, क्या खाना चाहते? बोले पक्का? बोले पक्का भी बना है। अच्छा, दोनों थालियों को लगा दिया, पति ने भोजन कर लिया। लेकिन भोजन कर लिया पर भोजन पचे कैसे? ये तो दोहरा व्यवस्था कर दिया। पति ने कहा तुमको मालूम है ना कि मैं भोजन करने के बाद विश्राम करता हूँ? अच्छा, कई कई पत्नियां बेचारी बड़ी आज्ञाकारिणी होती हैं, शादी होने के एक दो महीने के बाद अपने पति की पसंद को सब जान लेते हैं कि ये क्या चाहते हैं, क्या पसंद करते हैं। और कई कई के तो बीसों साल निकल जाते हैं, समझ ही नहीं पाती। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। होती है। तो पति ने कहा कि हाँ हम विश्राम, अरे हाँ विश्राम की व्यवस्था कहाँ? बोले बाहर। बाहर? पति मारने को तैयार, बोले नहीं अंदर भी। अच्छा ठीक है, बाहर ही लेट जाते हैं, दोहरा व्यवस्था है, बेचारा क्या करे, लेटना तो है, बाहर लेट गया। अब बार बार अपने हाथों को मल रहा था,
सोच रहा था कि आज पिटाई कर नहीं पाया और ये खुजली कैसे शांत हो। आंगन में पड़ा था, रात्रि की बेला थी, ऊपर देख रहा था तो ऊपर तारागणों के मध्य में एक सफेद सफेद मार्ग सा दिखाई, बदली सी दिखाई दिया करती है। पति ने उस बदली को, सफेदी को देखकर पत्नी से कहा, ये तारागणों के बीच में क्या है? बोले देवताओं का मार्ग है। अच्छा, देवताओं का? हाँ, बोले देवता लोग इस मार्ग में अपने विमानों में चढ़ चढ़ करके चलते हैं, ये उनका मार्ग है। उठा करके लत चटकाया, तेरी नियत में खोट है, ऐसी जगह चारपाई बिछाया है जहाँ देवताओं का रथ गिरे और मेरे हृदय को विदीर्ण करके मुझे मारते, तेरी नियत में खोट है। और पति को धुनाई सुनाई ना शुरू कर दिया। आदत होती किसी किसी की, उन्हीं में से एक हिरण्याक्ष, हिरण्याक्ष ने कहा तो बोले हाँ चले जाओ। भगवान ने मार्ग दिया लेकिन नहीं माना। भगवान ने तब तक प्रतिकार नहीं किया जब तक पृथ्वी को स्थापित नहीं कर दिया, और जब पृथ्वी को स्थापित कर दिया उसके पश्चात प्रभु के साथ में विविध पितरों के साथ युद्ध होता है। संध्या की वेला होते देख देवताओं ने कहा, भगवान रात्रि होगी इसकी शक्ति बढ़ जाएगी, अब आप इसका, तो भगवान ने सुदर्शन का स्मरण किया और हिरण्याक्ष का उद्धार किया। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि की है महाराज, पुष्पों की वृष्टि। भगवान ने हिरण्याक्ष का उद्धार किया, हिरण्याक्ष का उद्धार हुआ। महाराज सूत मुनि कहते हैं सोनकाद ऋषियों, हिरण्याक्ष का उद्धार हुआ, मनु महाराज ने सुंदर सृष्टि के विस्तार में सहयोग करना शुरू किया। परीक्षित जी कहते हैं ब्रह्मा जी के और भी कई पुत्र थे, उनको आदेश नहीं दिया, बोले आदेश दिया कर्दम ऋषि को, तपस्या करने के लिए चले गए। क्यों गए? बोले पत्नी सुंदर मिलेगी इसलिए तपस्या करने के लिए गए। मारा तपस्या किया, भगवान नारायण प्रकट हुए, सांख शास्त्र का लोप हो रहा था, मैं जन्म लेना चाहता था आपके यहाँ। मनु महाराज शत्रुपा रानी के साथ अपनी बेटी देवहूति को लेकर आएंगे, विवाह कर लेना, बड़ी कुशल है, दक्ष है, सुशील है। भगवान ने ऐसा कहा, मैं आपके यहाँ पुत्र बनकर आऊंगा, यह आदेश भगवान ने दिया। कर्दम ऋषि को भगवान का दर्शन हुआ। तीसरे दिन मनु महाराज शत्रुपा पत्नी साथ देवहूति को लेकर के गए और बेटी देहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में किया, विवाह करके विदा कर दिया। और कर्दम ऋषि की समाधि लग गई, बहुत काल के बाद जब समाधि खुली तो जीर्ण शीर्ण शरीर से युक्त देहूति का दर्शन हुआ। परिचय जानना चाह, बोले आपकी पत्नी सुश्रुषा से संतुष्ट थे, सुंदर एक विमान को उत्पन्न किया लेकिन देखकर संतुष्ट नहीं हुई देहूति। तब बिंदुसर तीर्थ में स्नान करने के लिए कहा, स्नान करके बाहर निकली, षोड़श वर्षीय नव यौवना का सुंदर स्वरूप है, हजारों दासियां सेवा कर रही थी, श्रृंगार किया गया, परिधान पहनाए गए हैं, विमान में चढ़ाया, पति का आवाहन किया, पति आ गए, विमान चढ़ पड़ा, सब वस्तक मेरु पर्वत की कन्दराओं पर विवाह विहार करते रहे। लौट कर आए, एक नहीं दो नहीं नौ कन्याओं ने जन्म लिया। कर्दम ऋषि ने कहा, राम राम, अब तक खाई सुखाई, आगे खाई सुराम, भाई एक ही सोचा था न हो गई।
महाराज बन जाना चाहते थे, देहूति याद दिलाया, साक्षात भगवान ही आपके यहाँ आना चाहते थे, आपने कहा, तो अब भगवान का तो पदार्पण हुआ नहीं। तब कर्दम ऋषि रुक गए, दसवें महीने साक्षात भगवान कपिल का पदार्पण हुआ। ब्रह्मा जी ने जाना, आकर के नाम का संस्कार हुआ, नाम कपिल हुआ, बोले कपिल भगवान की। नौ ऋषियों को साथ लेकर आए थे, मरीज ऋषि साथ में कला का विवाह किया, और अत्रि ऋषि साथ में अनुसुईया का विवाह किया, अंगिरा ऋषि साथ में श्रद्धा, इस प्रकार नौ कन्याओं का विवाह करके और कन्याओं को विदा कर दिया, और कर्दम ऋषि स्वयं तपस्या करने के लिए वन में चले गए। बिंदुसर तीर्थ में भगवान कपिल रहते, माँ देवहूति रहती है। एक दिन माँ देवहूति ने कहा, बेटा आप मेरे पुत्र हैं और भगवान हैं, मैं अपनी इंद्रियों को तृप्त करते करते बूढ़ी हो गई, लेकिन मेरी इंद्रियां तृप्त नहीं हुई, ये बताओ आपकी प्राप्ति का साधन क्या है, योग के अंग कितने हैं, सांख्य किसे कहते हैं, और भगवान नर कहाँ है, स्वर्ग कहाँ है, जीव का बंधन और मोक्ष कैसे होता है। तो भगवान कपिल ने कहा, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षो, मां बंधन और मोक्ष का एकमात्र कारण मन है, जब ये मन पुरुष चरणों में लग जाता है तो मोक्ष हो जाता है, जब संसार में लग जाता है तो बंधन हो जाता है। मेरी प्राप्ति यानी भगवत प्राप्ति का साधन पूछा तो सत्संग है, माँ संतों का संग करना, सताम प्रसंगान मम वीर संविदो भवंति हृत्करण रसायना कथा तज्जोषणा दास्तम वर्गवर्तनी श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमिष्यति। माँ मेरी भक्ति नौ प्रकार की है, लेकिन भक्तों के भेद से 81 प्रकार की भक्ति हो जाती है। संख्या का नाम सांख्य है, जो भी तत्वों को बना हुआ यह शरीर है। माँ भक्त को चाहिए कि सुंदर आश्रम में बैठ करके परमात्मा के सर्वांग का चिंतन करे, नख से लेकर के शिखा पर्यंत भगवान का चिंतन करे, और जब इस प्रकार वो चिंतन करता है तो सारे पाप ताप उसके नष्ट हो जाते हैं, प्रकृति उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाती है। मैं प्राणी मात्र के अंदर बैठा हूँ, लेकिन जीव भटकता है, केवल मंदिर जाकर के मुझे पाना चाहता है, मेरी बनाई मूर्तियों में से मेरा दर्शन नहीं होता, पर अपनी बनाई यानी जगत के शिल्पी के द्वारा निर्मित मूर्ति इसका मेरा दर्शन करता है, उस मूर्ति के अंदर मैं हूँ, रहता हूँ, दर्शन देता हूँ, लेकिन तब जब भक्त संसार में मेरी बनाई हुई मूर्तियों को दर्शन करता है। माँ कभी समाज के प्रति द्वेष नहीं होना चाहिए, ये जीव नाना प्रकार के कर्मों में आसक्त रहता है, पाप भी करता है, पुण्य करता है, पुण्य कम पाप कहीं ज्यादा, पुण्य करता है भगवत धाम को प्राप्त होता है, पाप कम करता है नरक में जाता है, यातनाओं को भोगने के पश्चात संसार में औषधि में आता है, नर मादा का मिलन होता है, प्रथम रात में कल नाम की संज्ञा होती है, पांच रात में माँ के गर्भ में बुद्धिदा के समान हो जाता है, दस दिन में अंडे के समान हो जाता है, एक महीने में सिर का निर्माण हो जाता है, दूसरे महीने में महाराज बाहु आदि का निर्माण हो जाता है, तीसरे महीने में लिंग भेद हो जाता है, ये स्त्री है पुरुष लड़का या लड़की है, चौथे महीने में सप्त धातुओं का सृजन हो जाता है, पांचवें महीने में इसको छुरा सताने लग जाती है, और छठे महीने में कुक्षिम घूमने लगता है, दाहिने में तो माताएं कहती बेटा होगा, बाईं में तो कहता बेटी होगी, फिर इनसे बोलो जैसे जाते। भगवान कपिल से माँ देवहूति कहती है, भूख लगती बालक खाता क्या है, बोले जब बालक गर्भ में होता है माँ के गर्भ में, उन दिनों माँ को चटपटी चीज खाने की बड़ी इच्छा होती है, बड़ी मिर्च वाली हल्दीराम की भुजिया और बढ़िया चाय पीने की इच्छा होती है, प्रिंस बोलो जय श्री राधे। अब माँ जो खाती है उसी से बालक का लालन और पालन होता है। अब माँ मिर्च वाली नमकीन और चाय गर्मा गर्म, तो जैसे पटलोई में चावल पकते हैं, उसे चाय पीने के बाद अंदर बच्चा खोलने लगता, कसम खा लेता मैया, नौ महीना तड़पा ले, नौ महीने के बाद आऊंगा तो ढंग से तुझको तपाऊंगा, प्रिंस बोलो जय श्री राधे। मतलब माताएं जब गर्भ से हो तो उन्हें सोचना चाहिए कि हम चाय नहीं पिए, नमकीन नहीं खाए, मिर्च वाली तो खानी नहीं चाहिए, क्या करना चाहिए, बोले गाय का दूध पीना चाहिए और दलिया बढ़िया खानी चाहिए, काजू बादाम डाल करके बढ़िया देसी घी से, ये गाँव है यार, गाँव में तो बाजार का डिब्बा वाला घी नहीं खाना चाहिए ना, ये खाना चाहिए, गाय पालनी चाहिए, भैंस पालनी चाहिए, और गाय का दूध स्वयं खाना चाहिए और दूसरों को भी खिलाना चाहिए, प्रेम से बोलो जय श्री राधे। गाँव में आकर के बाजार का घी खाया जाए, राम 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 राम।